हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज में डिजाइन। ये डिजाइन बहुत ही अलग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये देखिए, मैंने ब्लाउज का अस्तर कट कर रखा है, जिसकी लंबाई है 15.5 इंच, 14.5 इंच में तैयारी रखूंगी। 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया है। इसका तीरा मैंने रखा है 7.5 इंच, आर्म होल मैंने रखा है 6 इंच। ये लगभग बंद गले का ही डिजाइन बनेगा, इसलिए मैंने तीरा बढ़ा रखा है। और चेस्ट है 36 इंच, जिसका चौथा हिस्सा 9 इंच, 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए रख लिया। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ से मैं तीरे वाली साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, ये देखिए, और एक निशान ये 3 इंच पे लगाऊंगी, और इसको इस प्रकार से गोलाई में शेप दे दूंगी, ये देखिए। अब मैं गले की लंबाई ले लेती हूँ। गले की लंबाई ऊपर से रखूंगी मैं 11.5 इंच, ये देखिए। आप इसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं डीप गला बनाऊंगी और यहाँ से रखूंगी मैं लगभग 4 इंच, ये देखिए। और डिजाइन यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से शुरू कर देती हूँ मैं, इस प्रकार से गोलाई में घुमाते हुए। यहाँ से थोड़ा सा अंदर लेने के बाद इस प्रकार से थोड़ा सा बाहर की साइड निकालूंगी इसको, इस प्रकार से, ये देखिए। इस प्रकार से, और अब मैं इसको कटिंग कर दूंगी। आपको एक बात और बता दूं, ये ब्लाउज बैक हुक का बनेगा, यानी बैक बटन का। ये लगभग तो यहाँ से बैक हुक में नहीं बनाया जाता, लगभग हम ये बंद में ही बनाते हैं। ये डिजाइन वैसे भी हम कुर्ती में, गाउन में, किसी में भी बना सकते हैं, तो ये मैं ओपन में बनाऊंगी। इसका तरीका बहुत ही अलग है। अब मैं इसको कट कर दूंगी, ये देखिए, मैंने गला कटिंग कर दिया। अब मैं ब्लाउज के ऊपर वाला भाग लूंगी, और ध्यान रहे ब्लाउज के ऊपर वाला हिस्सा सीधी साइड से होना चाहिए, और इसको अस्तर को इस प्रकार से ऊपर रखते हुए, यहाँ पे गले पे एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा लूंगी। यहाँ से शुरू करूंगी और सिलाई पूरे गले पे यहाँ तक लगा दूंगी, और नीचे की साइड भी एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा लूंगी दोनों हिस्सों पे। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली। अब मैं ये अंदर वाला कपड़ा निकाल दूंगी और अस्तर के साइज का कपड़ा रखूंगी, और छोटे छोटे कट लगाऊंगी। ध्यान रहे कट में सिलाई ना कट जाए, ये देखिए, इस प्रकार से। मैं यहाँ पे पाइपिंग भी निकाल सकती थी, लेकिन ब्लाउज के साथ जो मैचिंग है उसका कपड़ा मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने ये अंडरग्राउंड ही रख दिया। आप चाहो तो पाइपिंग भी निकाल सकते हो, या लेस वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। अब इसको मैं सीधा कर लूंगी, ये देखिए, मैंने सीधा कर लिया, ये देखिए। और अब यहाँ नीचे की साइड किनारी पे सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे फिनिशिंग के लिए किनारी पे सिलाई लगाएंगे, ये देखिए, मैंने फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा ली। अब मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाऊंगी, और इसको, जो ये कपड़ा बंधा हुआ है ब्लाउज वाला, इसको निकाल दूंगी और अस्तर के बराबर रखूंगी। और जो यहाँ पे मैं ब्लाउज में आगे के हिस्से में हुक के लिए पट्टियां लगाती हूँ, वो पट्टियां पीछे, बटन पीछे बंद होंगे तो यहाँ पे लगेंगे, वो पट्टियां भी मैं साथ में लगा दूंगी। ये देखिए, मैंने बटन के लिए पट्टियां लगा दी है। अब मैं ब्लाउज के मैचिंग का
कपड़ा लूंगी और ये लगभग 4 इंच चौड़ाई में कट करूंगी। इसकी लंबाई मैंने 32 इंच रखी है। और एक कपड़ा और लूंगी जिसकी लंबाई मैंने 14.5 इंच रखी है और चौड़ाई इसकी भी 4 इंच है। अब जो 32 इंच लंबाई रखी है उसको इस प्रकार से फोल्ड करूंगी चौड़ाई की तरफ और यहां से थोड़ा सा तिरछा कट लगा दूंगी। इसी प्रकार से ये कट दूसरी साइड लगाऊंगी और यहां से सिलाई शुरू करूंगी और एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा लूंगी और एक साइड से मैं खुला रखूंगी इसको सीधा करने के लिए। और जो ये छोटे वाली पट्टी है इसको मैं खुला नहीं रखूंगी, यहां से सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली और दूसरी साइड से थोड़ा सा मैंने खुला रखा है ताकि मैं इसको सीधा कर सकूं। और जो ये दूसरे वाला हिस्सा है इसका एक हिस्सा उठाऊंगी इस प्रकार से और छोटा सा कट लगाऊंगी, ये देखिए, और इसको सीधा कर लूंगी। ये देखिए मैंने दोनों पट्टियों को सीधा कर लिया और जो एक साइड से पट्टी खुली रखी थी इसको इस प्रकार से अंदर डालते हुए सिलाई लगा दूंगी। और जो ये दूसरी वाली पट्टी है इसको मैं सुई धागे की मदद से इस प्रकार से बीचों बीच से सुई धागे की मदद से तितली का रूप दूंगी। ये देखिए और एक ये छोटी सी पतली डोरी लूंगी और इसको इस प्रकार से ये देखिए नीचे की साइड इसको सुई धागे से पक्का कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसको तितली का रूप दे दिया। अब मैं जिस साइड हुक लगेंगे यानी बटन लगेंगे वो हिस्सा लूंगी ब्लाउज का और यहाँ पे जो इसका ये सेंटर है इसको इस कॉर्नर के साथ रखूंगी और इस वाली पट्टी को डबल फोल्ड करूंगी इस प्रकार से और तितली के नीचे रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी। अब जैसे ही हम इसको इस प्रकार से बंद करेंगे तो तितली दोनों हिस्सों पे आएगी और जैसे ही इसको अलग करेंगे तितली एक हिस्से पे आ जाएगी। ये देखिए इस प्रकार से ये डिजाइन बन के तैयार है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।